रहीम। नाजरीन आपको पता है आज हमने पाकिस्तान एक्सप्रेस को जो हमारी टीम है ना पाकिस्तान एक्सप्रेस ने इधर फाइनल खेला है पर बदकिस्मती से फाइनल हार गए हैं। कोई मस्ता नहीं है ऐसा होता रहता है मैदान में दो टीमें आती हैं एक टीम जीतती है एक टीम हारती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आज हमारे जो लड़के पाकिस्तान एक्सप्रेस के फाइनल में पहुंचे हैं ये बहुत ऐसे के बाद पहुंचे हैं इसको अप्रिशिएट करना है इसको देखना है क्यों हाँ तालियां 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 ये बहुत ऐसे के बाद पहुंचे हैं तो इनको इस तरह शाबाशी देनी है कि इनके हौसले बुलंद हो जाए इतने बुलंद हो जाए कि अगली दफा ये कप जीत जाए। सबसे पहले मैं अपना दावत देता हूँ टीम के जो बेहतरीन हमारे ऑलराउंडर हैं आसिफ साहब को कि आसिफ साहब तशरीफ़ ले आएँ और हमारे पाकिस्तान हाई कमीशन के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं सैयद मुअज़्ज़म शाह साहब वो उनको इनाम अता फरमाएँ। आज ही आसिफ साहब तशरीफ़ ले उसके बाद मैं जनाब डॉक्टर मुदस्सर अल्ताफ साहब को कहता हूँ तशरीफ ले आए और अपना इनाम ले तालियां मारो ना यार तालियां मारो ना ये डॉक्टर साहब असली है एवं चिट्टा नजर आता है असली है। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ आरमा खान को वो तशरीफ लाए अपना इनाम आ सकते हैं अगली दफा कोई नहीं असली मिलेगा। आपने अली रजा साहब को दावत देता हूँ तशरीफ लाए अपना इनाम ले बहुत अच्छा ताली ऊंची मारो ना हाँ ऊंची मारो। अब मैं ताहिर साहब को दावत देता हूँ तशरीफ लाओ ताहिर साहब बहुत जल्दी में है मेरा पूरा नाम भी नहीं होने देते बहुत अच्छे। अब पापा नोमान साहब आओ पापा नोमान साहब तशरीफ ले आओ बहुत अच्छे। अब पापा अहमद साहब आएंगे पापा अहमद मुस्तफा साहब बहुत अच्छे। अब हमारे रेहान भाई हैं इन्होंने किया कख नहीं है लेकिन नाम दे दो यार मैंने सिर्फ आखिरी दो मैच खेले बाकी सारे खेला और कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है ये अभी वापस कर दो किसी और की तरह फिर देता हूँ। अब आखिर में एक टीम के कप्तान अपना आसिफ भाई को तशरीफ ले आए आसिफ भाई को इनाम दे इनका आज गेंद लग गया था देखो होंठ भी सूज गया गुड लक यार फाइनल में पहुंचने की बहुत बहुत मुबारक इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट एंड आई होप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गुड लक। अच्छा जनाब आपसे एक छोटा सा बस इंटरव्यू करते हैं आप इस खुशी के मौके पर अपने तासरात तो बयान करें ना। खैर खुशी का मौका है डेफिनेटली मैच हार गए मगर जो आज जो लोग आए हैं देखने उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एंड द होल स्पिरिट बिहाइंड पाकिस्तान एक्सप्रेस इज टू ब्रिंग द पाकिस्तानी कम्युनिटी टुगेदर एज यंगस्टर्स सो and this is the first step towards that so thank you very much for everyone for coming we really appreciate that and hopefully next year we'll be here again and next time we'll win and really appreciate that inshallah badi meherbani and just to announce one last achievement for us player of the tournament Asad Sadaf who has I know it's hard to come at 5:30 after work. People have to close shops. People have to, you know, sneak out from their bosses. So thank you very much for putting the effort and coming to play. And special thanks to Adnan Farooq, our manager. Who is he? yeah. So ye jo Adnan bhai hain ye जो है बिहाइंड द सीन सारा काम करते हैं सारों को जो है ना कोऑर्डिनेट करते हैं और वी डोंट से थैंक यू इनफ सो अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मेहरबानी जनाब बहुत बहुत मेहरबानी। अब तकरीब के आखिर में मैं गुजारिश करूंगा कि अब अपने चंद कीमती अल्फाज से हमारे एक्टिंग हाई कमिश्नर साहब टीम को जो है
को अप्रिशिएट करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने यहाँ दावत दी उसका बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ प्लेयर से सुबह मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी जिक्र किया। ये जीतना हारना तो गेम का हिस्सा रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कैप्टन ने कहा कि कम्युनिटी मिलके खेल रही है, चार महीने से खेल रही है, सब लोग अपना टाइम निकाल के एक टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान एक्सप्रेस का नाम यूज़ करते हैं। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अप्रिशिएबल, दिस इज़ वंडरफुल। और आई एम वेरी प्लीज टू सी कि आप लोग फाइनल में पहुंचे, व्हिच इटसेल्फ इज़ क्वाइट अ अचीवमेंट। वी विश यू गुड लक। एंड अब एक आप लोगों ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, आई एम श्योर यू विल हैव फार मोर सपोर्ट इन द नेक्स्ट सीजन एंड वी विल लिव विद यू एंड गुड लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। मेहरबानी, उन कैमरे बंद कर दियो।